चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आपका क्वेश्चन है कि आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है जी। और क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स वाई। इसका आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। पता है अब आपको जल्दी डायरेक्ट आ जाएगा, डी वाई डी एक्स हम सबका करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ भी, वाई स्क्वायर के साथ भी, लॉग के साथ भी। अब सीधा लिख लो, लॉग का भी करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई में एक्स वाई का भी करना पड़ेगा, पहले लॉग का फिर एक्स वाई का। और फटाफट कर दो इसे, एक्स स्क्वायर में दोस्ती है 2x आया, वाई स्क्वायर में दुश्मनी, तो पहले धर्म 2y बाई 2x फिर dy वाई बाई डी एक्स। लॉग इसे नीचे भेजेगा, एक्स वाई को नीचे आ गया, पूरा एक्स वाई नीचे आया। और एक्स वाई का होता है तुम्हें पता है वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यही होता है ना। चलो एक्स वाई नीचे आ गया लॉग में और अंदर का कर लिया वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स। अंदर भेजो तो पहले आएगा वाई अपॉन एक्स वाई, फिर आएगा x अपॉन एक्स वाई, और साथ में कौन dy वाई बाई डी एक्स। आँखें हैं या बटन है देख रहे हो ना, ये चीज़ है ना। y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, आप पे आया 2x, यहाँ पे 2y, यहाँ पे dy वाई बाई डी एक्स, आप पे आया 1x, फिर आया 1y, फिर आया dy वाई बाई डी एक्स। अब इसे आगे करेंगे तो होगा क्या, होगा ये कि भाई भाई साथ में लिखेंगे, जिसका भाई जो है उनको साथ में लिखेंगे। तो 2x इस साइड है, इसका भाई 1x है, इधर आके माइनस का होगा, तो माइनस का 1x हो गया। उधर देखो क्या है, dy वाई बाई डी एक्स है, कॉमन ले लिया। सबसे पहले क्या है, उस साइड है 1y प्लस में रहेगा, और 2y उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा ऐसे। अब तो dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, अगर आपको सॉल्व करना है तो कर लो बच्चे, एलसीएम आएगा 2x स्क्वायर माइनस 1x, सही है ना, एलसीएम आता है आपको लेना। यहाँ dy वाई बाई डी एक्स है, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 2y स्क्वायर बाई y। अब भेज दो तो y जाएगा मल्टीप्लाई में, 1 माइनस 2y स्क्वायर जाएगा डिवाइड में, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 चल रहा है, y गया ऊपर, y आया ऊपर, x है नीचे, साथ में है 1 माइनस 2y स्क्वायर, और ये बराबर आ गया dy बाई डी एक्स के, ठीक है। ये आपके आंसर आ गया, देख लो कैसे हुआ, आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपसे है, एक्स साइन 2y इज इक्वल टू वाई कॉस 2x। कर लो आप ऐसे, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट रूल यहाँ भी लगेगा वहाँ भी लगेगा, बस दोस्ती दुश्मनी का ख्याल रखना। तो एक्स साइन 2y यहाँ, और dy वाई बाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स वाई कॉस 2x उधर। अब अगर करने बैठे इसे, ये पहला, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, तो क्या होगा, दूसरा फंक्शन एज इट इज़, साइन 2y एज इट इज़, और डिफरेंशिएशन होगा पहले का x का, प्लस x एज इट इज़, और डिफरेंशिएशन होगा साइन 2y का, ये चीज़ हो गई, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, कॉस 2x एज इट इज़ इंटू डिफरेंशिएशन होगा y का, फिर y एज इट इज़ इंटू डिफरेंशिएशन होगा कॉस 2x का, ये चीज़ें। ये कट गया, कितना है साइन 2y। सर यहाँ dy वाई dx क्यों नहीं लगा, भाई इसका हुआ ही नहीं तो क्यों लगेगा, यहाँ लगेगा। तो बच्चे साइन का हो गया कॉस, और एंगल रिमेन सेम। उसके बाद बच्चे एंगल का करो, 2y का क्या आएगा 2 बचेगा, और फिर y का क्या आएगा dy वाई बाई डी एक्स आएगा। तो धर्म यहाँ तक निभा, पहले साइन का कॉस फिर एंगल का, और फिर इसके बाद दोस्ती दुश्मनी देखी, तो दुश्मनी थी तो dy वाई बाई डी एक्स लगा दिया। ऐसे यहाँ पे कॉस 2x होगा, फिर होगा dy वाई बाई डी एक्स, फिर होगा y, कॉस 2x का होगा माइनस साइन 2x, माइनस साइन 2x, y ऐसे ही कॉस 2x का माइनस साइन 2x,
टू एक्स का टू और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में वन, ठीक है। तो अब इसे अगर लिखें तो साइन टू वाई है प्लस क्या है टू एक्स कॉस टू वाई और डी वाई बाई डी एक्स, साथ में कॉस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू वाई साइन टू एक्स। बच्चे सब एक साथ हैं ना ऐसे, अब भाई भाई साथ में रखो और वैसे अलग रखो, तो इधर है साइन टू वाई और इधर कितना है बच्चे जो बिना उसके ये रहा, माइनस उधर आके प्लस होगा तो टू वाई साइन टू एक्स आ जाएगा। फिर हम डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, अब इधर डी वाई बाई डी एक्स की साइड क्या है कॉस टू एक्स है कॉस टू एक्स और इधर क्या है ये रहा टू एक्स कॉस टू वाई, तो माइनस में आ जाएगा टू एक्स कॉस टू वाई। बस अगर ऐसे लिख लिया तो आप क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स की साइड जो है उसे अपॉन में ले आएंगे, तो क्या होगा साइन टू वाई प्लस टू वाई साइन टू एक्स और ये चीज़ नीचे आ गई क्या है कॉस टू एक्स माइनस टू एक्स कॉस टू वाई और उस साइड कितना डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हैं ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ज़रा मैं इंक भर लूँ फिर आपको पढ़ाता हूँ। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अब आप ये घर से कर लेना, एक दो दे रहा हूँ मैं ना, पहले दे रहा हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू कॉस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, पहले ये करना। दूसरा है कॉट एक्स वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई, ये आप करना। तीसरा है टेन एक्स प्लस वाई प्लस टेन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन, ये भी खुद करना। चौथा है एक्स वाई लॉग एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन, ये भी खुद करना। पांचवा है लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स, ये भी खुद करना, ठीक है। ये चीज़ें हैं भाई, ये खुद करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस वाई प्लस ए प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर वाई प्लस ए अपॉन साइन ए, ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको करना है। देखो ये वैसे ही वाला है, एक्स के फॉर्म में लिखेंगे, एक्स लिखना है तो ये आएगा कॉस वाई अपन कॉस वाई प्लस ए या ए प्लस वाई, और मैं चाहूँगा कि अब आधा डाल लो कि इसे वाई के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि फिर यहाँ नहीं लगाना पड़ेगा ना, यहाँ पे फिर दोस्ती हो जाएगी इस साइड। तो डी बाई डी वाई हम करेंगे किसका एक्स का, इधर होगा डी बाई डी वाई किसका कॉस ऑफ वाई अपन कॉस ऑफ ए प्लस वाई, ऊपर वाला पहला नीचे वाला दूसरा, और देखो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हर टर्म y की है तो अब यहाँ पे dy वाई बाई डी एक्स नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है y के टर्म में ही कर रहे हैं ना इसलिए नहीं लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे चला आपका कितना dx एक्स बाई डी वाई, इधर करेंगे तो नीचे वाले फंक्शन का होगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, फिर नीचे वाला ऐसी कॉस ए प्लस वाई ऐसी इंटू डिफ्रेंसीशन होगा कॉस वाई का, माइनस लगाएंगे कॉस वाई ऐसी और अब डिफरेंशिएशन होगा नीचे वाले का। अच्छा डी बाई डी वाई करेंगे ना आपकी, हाँ डी बाई डी वाई कर रहे हैं ना, हाँ डी वाई किसका कॉस ए प्लस वाई का, ये रहा
अब आगे बढ़ेंगे। ये डी एक्स बाई डी वाई चल रहा है, आगे बढ़ेंगे तो डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू नीचे वाला कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई ऐसी है। अब कॉस ए प्लस वाई ऐसी, कॉस ए प्लस वाई ऐसी, साथ में आ जाता कॉस वाई का माइनस साइन वाई, तो माइनस एरा साइन लिखा वाई लिखा, ठीक है। फिर ये कॉस वाई का देखो, वाई का वाई के रिस्पेक्ट में वन हो जाएगा, इसलिए मैंने बोला दोस्ती है, तो माइनस कॉस वाई लिखेंगे। और देखो कॉस का करेंगे तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस बनेगा प्लस, तो प्लस साइन ए प्लस वाई, है ना। कॉस का माइनस साइन हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस ए प्लस वाई, ए का जीरो वाई का वन आ गया। अब देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन का ए कॉस का बी, ए ये था ना। अब देखो कॉस का ए है, साइन का बी है, तो आपको पता ही क्या बनेगा, साइन ए माइनस बी। ए कौन है, ए प्लस वाई, और माइनस बी, बी कौन है, वाई है। ये हमने पहले भी करा था ना क्वेश्चन, वहाँ पे साइन वाले थे सारे। और अपॉन में कितना आ गया बच्चे, अपॉन में आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है। तो देख लो साइन का ए कॉस का बी, कॉस का ए साइन का बी, वाई से वाई कैंसिल, आपका आया साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ये आ गया। और ये आ गया डी एक्स बाई डी वाई, कितना साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, बस इसका उल्टा आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, कोसेक ए भी बन सकता है ना ऊपर जाके, ये ठीक है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि इफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टैन इनवर्स ए, तो प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ जाए वाई बाई एक्स के, ये चीज़ है, ठीक है जी। आपको पता है आप इसे इन्वर्स फॉर्म में नहीं करना चाहोगे, इसे ये दिल्ली आना, तो कॉस बन जाएगा, मतलब ये ऐसे चेंज होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बराबर कितने के, बराबर देखो टेन इन्वर्स ए पहले से था और इसके बाद कॉस इन्वर्स इधर जाएगा तो ये कॉस हो जाएगा। अब तुम देखो ए कॉन्स्टेंट है तो टेन इन्वर्स ए भी क्या हुआ, कॉन्स्टेंट हुआ, तो कॉस ऑफ टेन इन्वर्स ए पूरी की पूरी चीज़ क्या हुई, कॉन्स्टेंट हुई पूरी, क्योंकि एंगल ही ए है ना, और टेन इन्वर्स ऑफ ए फिर एंगल, मतलब एंगल तो है कॉन्स्टेंट है साथ में, और कॉस के लिए फिर टेन इन्वर्स ए पूरी चीज़ कॉन्स्टेंट है। और क्योंकि मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि ए बचे, क्योंकि यहाँ ए नहीं चाहिए तो उसको गायब करेंगे, ठीक है। यही होती है दिक्कत प्रूफ दैट में, एक इससे पहले क्वेश्चन में एक बार ए चाहिए था, वन माइनस टेन ए वन प्लस टेन ए, याद आया वाई बाई एक्स, तो वहाँ ए बचाया या नहीं बचाएंगे, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितने के, डी बाई डी एक्स कॉस टेन इनवर्स ए के, ये पूरी चीज़ कॉन्स्टेंट है, इसका जीरो आ जाएगा, ठीक है। और वहाँ क्वेश्चन रूल लगेगा, तो क्वेश्चन रूल में क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर, साथ में फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़, और डिफरेंशिएशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज़, और डिफरेंशिएशन होगा किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, और कांस्टेंट का है ज़ीरो, ये है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ जाके ज़ीरो हो गई, जब ये चीज़ वहाँ गई ज़ीरो हो गई, तो बची आप पे सिर्फ क्या, ऊपर वाली चीज़, ऊपर वाली चीज़ को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का टू एक्स दोस्ती है छोड़ दो, वाई स्क्वायर का टू वाई दुश्मनी है, तो डी वाई बाई डी एक्स लगा दो, आगे बढ़ेंगे। माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऐसी, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, साथ में लगाना पड़ेगा dy बाई dx क्योंकि दुश्मनी है, और ये उधर जाके जीरो हो गया, ये रहा, ठीक है ना। इसके बाद बस अब क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करनी है, वाई बाई एक्स चाहिए ना आपको, बस याद रखेंगे dy बाई dx को वाई बाई एक्स लाना है और कुछ नहीं। तो मल्टीप्लाई करो यार, तो होगा क्या, एक्स स्क्वायर को करो पहले दोनों से, तो क्या आएगा, पहले आएगा एक्स स्क्वायर 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, और कुछ तो नहीं कर सकते ना, नहीं कुछ नहीं कर सकते, हाँ इसको उधर ला सकते हैं, तो ये इज इक्वल टू बन जाएगा, जब ये माइनस था ना उधर जाके प्लस हो जाएगा, अब ये गायब हो जाएगा, तभी भी करना ही पड़ेगा। तो देखो पहले क्या आया, 2x इंटू एक्स स्क्वायर आपका बनेगा 2x का क्यूब, फिर 2y और एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा माइनस 2y एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे dy बाई dx, फिर ये 2x इंटू वाई स्क्वायर प्लस का, फिर यहाँ पे माइनस 2y और वाई स्क्वायर, तो ये बना माइनस 2y क्यूब dy बाई dx, ऐसे यहाँ चलेंगे। तो पहले इसको इससे साथ है ना, तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर बना 2x क्यूब, फिर 2y इंटू एक्स स्क्वायर बना प्लस का 2y एक्स स्क्वायर dy बाई dx, साथ में आप पे अब माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2x हो गया माइनस 2x वाई स्क्वायर, फिर 2y इंटू माइनस का वाई स्क्वायर हो गया माइनस 2y क्यूब dy बाई dx, ये हो गया, कुछ होगा 2x क्यूब से 2x क्यूब कैंसिल, और 2y क्यूब dy बाई dx भी कैंसिल हो रहा है, सेम साइन के हैं, क्या बचा फिर, फिर आप पे बचा माइनस 2y एक्स स्क्वायर dy बाई dx प्लस 2x वाई स्क्वायर, और उधर 2y एक्स स्क्वायर dy बाई dx और माइनस 2x वाई स्क्वायर, ये बचा, ठीक है बच गया, मान लिया। अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, जो सेम टर्म है उन्हें साथ लिख लेते हैं, जैसे ये माइनस 2y एक्स स्क्वायर उधर जाके प्लस 2y एक्स स्क्वायर होगी, तो ये 2y एक्स स्क्वायर प्लस 2y एक्स स्क्वायर बनेगा 4y एक्स स्क्वायर, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो मैं इस साइड लिख सकता हूँ 4y एक्स स्क्वायर dy बाई dx बनेगा। और बच्चे यहाँ पे क्या आएगा, 2x वाई स्क्वायर है ये इधर आएगा प्लस का होगा, तो 2x वाई स्क्वायर 2x वाई स्क्वायर 4x वाई स्क्वायर होगा, 4 से 4 कैंसिल, x से 1 पावर कैंसिल, y से 1 पावर कैंसिल, यहाँ y है उधर x है, अपॉन में लाओ इधर, और ये बराबर आ गया dy बाई dx के, ठीक है भाई, x dy बाई dx के साथ मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में आ गया, तो हम पे y बाई x आ ही गया, कितना dy बाई dx, क्लियर, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग, आज के क्लास में हम डिफरेंशिएशन का एक नया टाइप पढ़ेंगे, वो टाइप क्या है, कहने के लिए तो उसे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन कह सकते हैं, पर लॉग तो आपने पहले भी पढ़ा था कि लॉग अपने एंगल को नीचे भेज देता है, तो यहाँ क्या अलग चीज़ होगी, तो ज़रा देखते हैं। तो बच्चों ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि d बाई डी एक्स वेरिएबल की पावर कॉन्स्टेंट हो, जैसे x का क्यूब हो, x की पावर 5 हो, x की पावर 10 हो, तो आपको पता है पावर आगे आती है, एक पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ये आप लोगों ने पढ़ा है। इसके बाद दूसरा देखो, अगर कॉन्स्टेंट की पावर वेरिएबल हो, जैसे 2 की पावर x, 3 की पावर साइन x, तो आपको पता है क्या आता है, ए एक्स लॉग ए, वही चीज़ आ जाती है और लॉग ए लगाना पड़ता है। ऐसे ई एक्स भी था, क्या आता था, ई एक्स लॉग ई, लॉग ई वन होता था तो ई एक्स बोल देते थे, पर अब क्या करोगे, तीसरा मैंने ये बोला वेरिएबल की पावर वेरिएबल ही है, एक्स की पावर वाई है, साइन एक्स की पावर लॉग एक्स है, वाई की पावर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे बेस भी वेरिएबल है और जो उसकी पावर एक्सपोनेंट वो भी वेरिएबल है, जबकि ऊपर क्या था, ऊपर वेरिएबल की पावर कॉन्स्टेंट थी, दूसरा क्या था, कॉन्स्टेंट की पावर वेरिएबल थी, और यहाँ उल्टा ही हो गया, आप कैसे करोगे, अब तो बड़ी दिक्कत आ गई ना। इसी चीज़ को हम इसमें कवर करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, इसमें वेरिएबल की पावर क्या होगी, वेरिएबल होगी। तो आप यहाँ क्या करना, जैसे सिंपल सा मेथड यहाँ पे क्या चलेगा, हर समय क्वेश्चन देखोगे तो आपको नेक आ जाएगा, आप पता कर लोगे कि ऐसे करना है, KNACK नेक। तो आप ना जैसे आपको y इज इक्वल टू fx दे रखा, तो आप हमेशा ना ये आपका स्टेप वन हो गया, स्टेप टू क्या करना, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग आप बोथ साइड ले लेना, दोनों नेचुरल बेस ही लेंगे e, लॉग बोथ साइड ले लेना,
ठीक है। और स्टेप थर्ड आप लोग क्या करना, जो आप करते हो धर्म निभा लेना डिफरेंशिएट। बस तीन स्टेप में ये चीज़ होनी है सारे क्वेश्चन। पहले स्टेप ये है, पहले स्टेप तो आपको दिया ही होगा, नहीं दिया है तो जो भी फंक्शन है उसे वाई ले लेना, उसके बाद लॉग लेना दोनों साइड और फिर डिफरेंशिएट कर देना। चलिए इतना सा आपका ये मेथड था। हम पढ़ने जा रहे हैं वेरिएबल की पावर वेरिएबल, एक्स की पावर वाई, वाई की पावर एक्स, और उसमें डिफरेंशिएट करना है आपको। इसे हम बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। जैसे आपके क्वेश्चन है पहला, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। हमारे मन में जब कुछ नहीं आएगा तो बेसिक रूल ही आएंगे कि हम इसे कैसे करें, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, हाफ लिखेंगे, इस पूरे को नीचे भेजेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर एक फंक्शन नीचे दूसरा फंक्शन, और क्वेश्चन रूल लगा देंगे, है ना। इतना टाइम आप पे भी नहीं है, मुझ पे भी नहीं है, दुनिया में और भी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग लगाने से बहुत फ़ायदा हो जाएगा। मैंने आपको बताया ना अभी दिक्कत क्या आएगी, हाफ लिखोगे, इस पूरे को नीचे भेजोगे, फिर अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर एक फंक्शन नीचे दूसरा फंक्शन, और फिर आप इन दोनों को क्वेश्चन रूल से सॉल्व करोगे। बहुत लंबा आपके वहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लॉग वाले मेथड से करते हैं, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग बेस 10 भी यूज़ कर सकते हैं, लॉग बेस ई भी यूज़ कर सकते हैं। टेकिंग लॉगरिदमिक या लॉगरिदम बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लेंगे, तो होगा क्या, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ, अब ध्यान से देखना, ये रूट पावर होती है हाफ, तो लॉग ऑफ एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर और थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। और देखिए पावर क्या चल रही है, रूट, रूट मतलब हाफ। आपको पता है लॉग अपनी पावर कहाँ भेजेगा, आगे भेजेगा, तो ये आगे आ गया, तो हाफ लॉग क्या बना, जो भी है लिख दो, एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, यहाँ पे है। अब इसके बाद क्या है भाई, लॉग ए अपॉन बी पढ़ा होगा आपने, इस पूरे को मैं ए मान रहा हूँ, इसको मैं बी मान रहा हूँ, तो लॉग ए अपॉन बी होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, ये आपको पता है। हम ऐसा तोड़ना चाहेंगे इसे, तो तोड़ देंगे, अभी हमने डिफरेंशिएट नहीं करा, अभी तो तोड़ ही रहे हैं, तो सर उससे बढ़िया वही कर लेते हैं, हाफ लिखा क्वेश्चन टूल से कर लेते हैं। नहीं बच्चे सीख लो, एक क्वेश्चन के लिए थोड़ी चलेंगे बाजी, हमें हर क्वेश्चन में देखना है। ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, तो लॉग ए अपॉन बी बनेगा लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। हाफ को बाहर ही रहन दो, लॉग ए, ए कितना है, ये पूरा है एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ये पूरा ए है, तो ये बना लॉग ए माइनस लॉग बी, बी नीचे वाला है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, ये नीचे वाला है, ऐसे हमने लिख लिया। एंड देन इसके बाद क्या है, लॉग ए बी यहाँ लगा लेंगे, लॉग ए बी आपको पता है क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है। मैंने तुम्हें पहले ही बोला है कि लॉग ऑफ ए प्लस बी कुछ नहीं होता, लॉग ए प्लस लॉग बी बनता है लॉग ए बी, जो हम यहाँ लगा सकते हैं। अब ए ये है, बी ये है, अलग अलग करेंगे, तो लॉग वाई इज इक्वल टू हाफ, लॉग ए प्लस लॉग बी इनके बीच में लगा दो, तो लॉग एक्स माइनस थ्री प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ये हो गया लॉग ए प्लस लॉग बी, और माइनस ऑफ लॉग ये चल ही रहा है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, ये तो चल ही रहा है, बंद कर दो, ठीक है। लॉग ए बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, और ये तो चल ही रहा है। अब देखो कितना आसान हो गया, डिफरेंशिएटिव तो करना है लॉग का, लॉग अपने एंगल को कहाँ भेजता है, नीचे, और अगर लॉग का एंगल वर्थ है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। तो अब देखिए होगा क्या, याद रखना डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, आप लोगों को लिखना है डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पहले धर्म निभाओ। लॉग वाई का जब डिफरेंशिएशन होगा, मैं दोनों साइड डी वाई डी एक्स करूँगा ना, एक स्टेप एक्सेस हो जाएगा, नहीं कर रहा हूँ, एक साथ ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं। आप लोग लिख लेना डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे लिखोगे आप डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, और यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स लगा देना, ऐसे डी बाई डी एक्स, यहाँ पे भी हाफ तो भारी है, और यहाँ पे भी क्या लगा देना, डी बाई डी एक्स,
फिर वो डी वाई डी एक्स इधर भी जाएगा, प्लस इधर भी जाएगा, माइनस इधर भी जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको खुद ही करना है। अब देखो पहले तो यहाँ धर्म निभाना है, फिर देखना है दोस्ती है दुश्मनी है। मैं एक क्वेश्चन में एक और बात बताऊँगा यहाँ पर अभी तो धर्म निभा लो। तो धर्म में डिफ्रेंशिएट करने का लॉग का होता है 1/y, लॉग अपने एंगल को नीचे भेज देता है तो भेज दिया। लॉग का जब डिफ्रेंशिएट होगा तो इसे नीचे भेज देगा, तो धर्म तो निभ गया, धर्म तो हमने निभा लिया। अब देखो दोस्ती है दुश्मनी है, तो आपको दिख ही रहा है दुश्मनी है, क्योंकि हम कर किसके रिस्पेक्ट में रहे हैं, एक्स के, हो किसका रहा है वाई का। तो बच्चे लगाना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स, ये लगा दिया, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स हमने लगा दिया। और इस साइड हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हाफ़ लिखा। सबसे पहले देखो इतना तो मैं अब आपको वर्थ समझ ही रहा हूँ कि आप डिफरेंशिएट कर देंगे, तो हाफ़ लिखा। सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है लॉग एक्स माइनस थ्री का, तो लॉग ने एक्स माइनस थ्री को नीचे भेजा, एक्स माइनस थ्री को नीचे भेजा, एक्स का हो गया 1, 3 का हो गया 0, तो 1 माइनस 0 आया, एक्स का 1, 3 का 0, 1 माइनस 0 1 ही होगा, तो 1 लिख दिया, प्लस लगाया। अब इसका डिफरेंशिएट करना है, इस पूरी टर्म का डी बाई डी एक्स करना है, तो लॉग ने एक्स स्क्वायर प्लस 4 को, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को नीचे भेजना है, देन उसके बाद अंदर का करेंगे, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 4 का हो जाएगा 0, तो आप पे आया 2x प्लस 0 मतलब कितना 2x आया, देन माइनस लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे, इस पूरे का डिफरेंशिएट करना है, तो लॉग ने इस पूरी चीज़ को नीचे भेज देना है, पूरी चीज़ क्या है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है, चाहो तो ये माइनस बीच में लिख दो, थोड़ा सही रहेगा। अब इनका डिफरेंशिएट बारी बारी से करो, 3 ऐसे ही रहेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर का आ गया 2x, बहुत बढ़िया, प्लस प्लस 4 बाहर आया, 4 बाहर आया, एक्स का हो गया 1 और 5 का हो गया 0, तो बचेगा यही, ठीक है, 4 इंटू 1 प्लस 0, एक्स का 1 हो जाएगा, तो 6x प्लस 4 आ गया आप पे, कितना आ गया 6x प्लस 4, ठीक है, बहुत बढ़िया। पर आपको तो dy बाई dx चाहिए, तो dy बाई dx कैसे आएगा, तो जो भी ये y है ये उधर जाएगा, यहाँ डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा y बाई 2 1 अपॉन x माइनस 3 प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, यहाँ पे बचेगा। अब बच्चों ऐसे क्वेश्चन की खास बात ये होती है कि जो भी क्वेश्चन होता है ना वो आंसर में ज़रूर आता है, क्योंकि क्वेश्चन वाई था वो आंसर में ज़रूर आएगा हर समय, क्योंकि हर समय आप 1/y तो करोगे ही और वाई उधर जाएगा, तो हर समय आंसर में ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन का जो भी ओरिजिनल फॉर्म होगा वो फाइनल आंसर में ज़रूर आएगा। तो वाई आपको पता है क्या था, हाफ़ लिख दो, वाई की वैल्यू अब डालनी है, तो वाई की वैल्यू क्या थी, रूट ऑफ क्या क्या था, एक्स माइनस 3, बहुत बढ़िया, देन एक्स स्क्वायर प्लस 4, देन अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये तो आपकी y की वैल्यू हुई, तो कुल मिला के y बाई 2 है, ये पूरा y बाई 2 और ये ब्रैकेट में है, क्या चीज़, 1 अपॉन x माइनस 3 प्लस 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये आपकी चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ है, क्लियर है इतना, बहुत बढ़िया, ये देख लो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये होंगे ऐसे ही बच्चों हैं, ये क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको समझ में आ जाएगा कब नीड पड़ेगी लॉग लेने की। आपको क्वेश्चन ऐसा तो दिया नहीं रहेगा कि भाई इसे लॉग से ही करो, या इसे आईलेट से ही करो, या इसे प्रोडक्ट रूल से करो, या इसे क्वेश्चन रूल से करो, आपको खुद दिमाग लगाने हैं, उसी के तो पैसे हैं। तो y इज इक्वल टू रूट एक्स एक्स प्लस 4 की पावर 3/2 अपॉन 4x माइनस 3 की पावर 4/3, तो आपको डिफरेंशिएट करना है। देखो आप इसे कभी भी क्वेश्चन रूल से नहीं करोगे, लग रहा है ना आपको क्वेश्चन रूल से ही करने वाला नहीं है क्वेश्चन, तो इसे कैसे करोगे, इसे सिंपली लॉग लेके करोगे। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड ये आपको लिखना है, मैं तो नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग लगाएंगे, इधर भी लॉग लगेगा, इन्हें ब्रैकेट में लिखेंगे, अपॉन लगाएंगे, और जो भी पावर आपको वैसे दिख रही है जो दिक्कत देगी उसे
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लो, जैसे रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2। ये जो रूट एक्स है इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2। साथ में आगे क्या है, एक्स प्लस 4 की पावर कितना, 3/2। बहुत बढ़िया। नीचे क्या है, 4x माइनस 3 की पावर कितना, 4/3। ये चीज़ें हैं। अब log a अपन b लगाओ तो log y इज इक्वल टू log a, क्या है a एरा x की पावर 1/2, साथ में x प्लस 4 की पावर कितना, 3/2। ये आपका log a है। माइनस log b, तो log माइनस में log b, b कितना है 4x माइनस 3 की पावर कितना, 4/3। अब यहाँ पे log a भी लगाओ, ये दो अलग अलग फंक्शन है, तो log y, log a भी लगाएंगे तो log x की पावर 1/2 अलग प्लस log x प्लस 4 की पावर 3/2 अलग। ये log a प्लस log b हो गया, log a भी, और माइनस ऑफ log 4x माइनस 3 की पावर 4/3। अब क्या होगा, अब बस इतना होगा कि ये पावर्स आगे आएंगी, तो जैसे 1/2 आगे आया और ये बन गया log x, जैसे 4/3 आगे आया, 4/3 नहीं 3/2 आगे आया और ये बन गया log x प्लस 4, जैसे माइनस था और 4/3 आगे आया और ये बन गया log 4x माइनस 3। अब तो आपको पता है दोनों साइड ऐसी फॉर्म आ गई है जिसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं। तो आप अपनी नोटबुक में डालिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, करेंगे धर्म निभाएंगे। इसको तो याद ही कर लो, 1/y dy/dx आएगा, पर आया कैसे, पहले धर्म निभाया, log y का हो गया 1/y, फिर देखा दोस्ती है दुश्मनी है, तो दुश्मनी है क्योंकि हम करते x के रिस्पेक्ट में है और हो y का रहा है, तो dy/dx लगाना पड़ेगा। आगे से याद कर लेना log y का क्या आएगा, सीधा 1/y dy/dx। पहले धर्म निभाया तो 1/y आ गया, फिर दुश्मनी थी तो dy/dx लगा दिया। चलिए हाफ लिखा। अब देखिए log ने x को कहाँ भेजना है, डिफरेंशिएट के बाद नीचे, x का फिर कितना हो जाएगा 1, आगे बढ़ेंगे 3/2 मल्टीप्लाई बाई log ने x प्लस 4 का कहाँ भेजना है, नीचे, और x प्लस 4 का 1 आ जाएगा, x का 1 4 का 0, फिर माइनस 4/3। log ने 4x माइनस 3 को कहाँ भेजना है, नीचे, अब 4x माइनस 3 का डिफरेंशिएट ऊपर होगा, 4 बाहर आया, x का 1 हो गया और माइनस 3 का 0, तो 4 × 1 − 0, तो 4 − 0 मतलब 4 ही आएगा ना बच्चों, ये तो आता है ना 4x − 3 का करना आपको, यही आएगा। तो आपका कुल मिला के बनाइए dy/dx, y डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई आएगा, तो यहाँ पे आंसर में हमेशा क्वेश्चन छुपा रहता है ना ओरिजिनल फॉर्म में। y लगाया, ब्रैकेट लगाया, 1/2x प्लस 3/2 ऑफ x प्लस 4 माइनस 16/3 ऑफ 4x − 3, ये हो गया, क्लियर है। और y की वैल्यू डाल दीजिए जो आपकी है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो फाइनली हम आंसर लिख रहे हैं, आंसर क्या है, आंसर ये है कि dy/dx जो है वो आपका आया y, y कितना है रूट एक्स, जो ओरिजिनल फॉर्म है वही लिखना, x प्लस 4 की पावर 3/2, 4x − 3 की पावर 4/3, एंड देन ये पूरी चीज़, ये चीज़ तो y थी ना, ये y था, अब ये पूरी चीज़ क्या है, 1/2x प्लस 3/2 ऑफ x प्लस 4 माइनस 16/3 ऑफ 4x − 3, ये आपका आंसर है, क्लियर, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये आपका आंसर है dy/dx है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पे y इज इक्वल टू, और y दी भी ना रहा हो तो आपको y लगाना है, ठीक है, अगर आपको ऐसा बोल दिया डिफरेंशिएट ये चीज़ विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप y मान के ही करोगे। तो y इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल क्यूब, और x प्लस 3 की पावर 4, इसका करना है। तो टेकिंग log बोथ साइड, log a b c, log a प्लस log b प्लस log c, मल्टीप्लाई में log कॉमन है तो फिर प्लस आ जाता है,
तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ होल ऑफ, लॉग ऑफ होल ऑफ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स प्लस टू का होल क्यूब और एक्स प्लस थ्री की पावर कितना 4, ऐसे ले लेंगे। लॉग ए बी सी, लॉग ए बी सी, लॉग ए बी सी, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, ऐसे लिखेंगे। तो लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग, पहला आया एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, फिर प्लस आया लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी होगा, लॉग एक्स प्लस टू का होल क्यूब, फिर प्लस लॉग एक्स प्लस थ्री की पावर कितना 4, जितनी भी पावर्स हैं आगे आ जाएंगी, लॉग अपनी पावर्स को आगे भेजता है, तो ये बना 2 लॉग एक्स प्लस वन प्लस 3 लॉग एक्स प्लस टू प्लस 4 लॉग एक्स प्लस थ्री। बस अब आपको डिफरेंशिएट करना है दोनों साइड, ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका आंसर था, है ना। तो लॉग वाई का आपको डिफरेंशिएट पता है, धर्म निभाया तो 1/y आएगा, दुश्मनी है तो dy/dx आएगा। यहाँ पे करेंगे तो 2 ऐसी रहा, लॉग ने x प्लस वन को कहाँ भेजा, नीचे भेजा, और x प्लस वन में x का 1 आया, 1 का 0 आया, तो कुल मिला के 1 आया। फिर 3, उसके बाद लॉग x प्लस टू का करना है, तो लॉग ने x प्लस टू को नीचे भेजा डिफरेंशिएशन में, x का 1 2 का 0 तो 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद 4 लिखा, लॉग ने x प्लस थ्री को कहाँ भेजा, नीचे भेजा, x का 1 3 का 0 तो 1 आ गया। देन आपका dy वाई बाई dx कितना आ गया, ये y यहाँ डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में आएगा, तो y 2 बाई एक्स प्लस वन, फिर प्लस 3 बाई एक्स प्लस टू, फिर प्लस 4 बाई एक्स प्लस थ्री, ये आ गया। और y की वैल्यू डालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो y की वैल्यू डाल दो यहाँ, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं, ये भी लिखना, देन y की वैल्यू अब मैं डाल रहा हूँ, तो y की वैल्यू कितनी है, x प्लस वन का होल स्क्वायर, x प्लस टू का होल क्यूब, x प्लस थ्री की पावर 4, ये आपके कुल मिला के आंसर है। पर आप इसे दो स्टेप में करेंगे, पहले y लिखेंगे फिर y की वैल्यू डालेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ब्राइटनेस ठीक है, बढ़ाएं, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है, आपको क्वेश्चन दे रखा है, वाई रूट ऑफ एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, इसका आपको करना है। एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस फोर का आपको डिफरेंशिएशन करना है, काफ़ी आसान। आप इन्हें अलग अलग भी लिख सकते हैं ना, अलग अलग लिख लो या लॉग ही लगा लो। देखो हम पे ये क्वेश्चन, अब हम इसे मॉडिफाई करेंगे, वो आप नेक्स्ट स्टेप में करना हमेशा, है ना। तो रूट मतलब पावर हाफ होगा, ठीक है, और दोनों साइड लॉग ले लेंगे, तो लॉग वाई लॉग ऑफ ये जो भी चीज़ है, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस फोर। अब पावर कितनी चल रही है, हाफ, लॉग बच्चे अपनी पावर को हाफ को कहाँ भेज देगा आगे, तो आप पे आ जाएगा लॉग वाई, पावर ही तो दिक्कत देता है सारी, बाकी तो सारी चीज़ें सही हैं। हाफ आगे आया, लॉग एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर। सर क्या हम इसे अभी ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कर लो यार, लॉग इस पूरे को नीचे भेजेगा, फिर आपको रफ में इन सबको मल्टीप्लाई करना होगा और इनका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। उससे बढ़िया ना अलग अलग कर लो ना, लॉग ए बी सी डी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी प्लस लॉग डी, मल्टीप्लाई में हो लॉग जितने भी हों सारी टर्म्स प्लस में आ जाती है। तो लॉग वाई इज इक्वल टू हाफ कॉमन, सबसे पहले आया लॉग एक्स माइनस वन प्लस लॉग एक्स माइनस टू प्लस लॉग एक्स माइनस थ्री
प्लस लॉग एक्स माइनस फोर, यहाँ पे आ गया। एंड देन इसके बाद बस अब आप डिफ्रेंशिएट करो, धर्म दोस्ती दुश्मनी देखो, लॉग वाई का वन अपन वाई धर्म निभा लिया, दुश्मनी है तो डी वाई बाई डी एक्स निकाला, हाफ लिखा। अब डिफ्रेंशिएट करना शुरू करो तो आप पे है लॉग एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन नीचे आया, एक्स का वन वन का जीरो तो वन बचेगा, एक्स माइनस टू नीचे आया, लॉग एक्स माइनस टू का एक्स माइनस टू नीचे आया, एक्स का वन माइनस टू का जीरो तो वन आएगा। तो आपको समझ में ही आ रहा है जितने भी लीनियर टर्म्स हैं उन पर वन ही आएगा, आप कर लेना, ऊपर वन ही आएगा लीनियर टर्म्स का। एक्स माइनस फोर आ गया, देन होगा क्या, वाई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो वाई को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया वाई इंटू वन बाई टू इंटू ये पूरा ब्रैकेट, ये पूरा ब्रैकेट अपने आप में बहुत बड़ा है, इसमें और कुछ छेड़खानी मत करना कि एलसीएम उलसीएम ले रहे हैं, ऐसे रहने देना। एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस फोर आ जाएगा, ये हो गया। देन इसके बाद वाई की वैल्यू डाल दीजिए, तो वाई की वैल्यू डाल के आपका क्या आ जाएगा, और वाई की वैल्यू रूट वाली डालना जो ओरिजिनल फॉर्म है ना, ये ऐसे मत लिखना मैं कह रहा हूँ, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स वन बाई टू लिखा, वाई की वैल्यू डाली, वाई की वैल्यू कितनी है, रूट ऑफ एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस फोर है, साथ में ये चीज़ लिख दी, ये कितनी है, वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस वन अपॉन एक्स माइनस फोर, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बड़ा सा, और कुछ हरकतें मत करना इसमें, ये आपका आंसर अच्छा लग रहा है मुझे, ऐसे रहने देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है y इज इक्वल टू e की पावर x cos क्यूब x साइन स्क्वायर x का करना है, e की पावर x cos क्यूब x साइन स्क्वायर x का करना है। दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो प्रोडक्ट रूल, एक का करेंगे बाकी दोनों ऐसे रहने देंगे, और एक लॉग लगा के करेंगे। तो पहले करेंगे मेथड वन बाय प्रोडक्ट रूल, मेथड वन बाय प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल के हिसाब से करते हैं, इसको पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा मान लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, और मैं कोई गारंटी नहीं देता कि सेम आएगा, क्योंकि ये इनडेफिनाइट होते हैं, इनमें सेम नहीं आएगा, है ना। तो मान लो हम पहले का ही कर रहे हैं, तो कॉस क्यूब एक्स और साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे रहने देंगे, और हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं पहले का जो कि है e की पावर x, फिर पहले का कर दिया, अब दूसरे का करेंगे तो पहले और तीसरे को ऐसे रहने देंगे, और दूसरे का डिफ्रेंशिएट करेंगे, दूसरा कितना है cos क्यूब x है, प्लस लगाएंगे तीसरे का करेंगे तो पहला और दूसरा ऐसे रहने देंगे, और डिफ्रेंशिएट करेंगे तीसरे का जो कि साइन स्क्वायर x है, ठीक है। अब कॉस क्यूब एक्स ऐसी, साइन स्क्वायर एक्स ऐसी, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हुआ डिफरेंशिएट, और एक्स का वन हुआ, आगे बढ़ेंगे ई की पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स ऐसी, कॉस क्यूब एक्स का तो आपको पता है पहले पावर का फिर कॉस का, पावर का कितना होगा थ्री कॉस स्क्वायर एक्स, तीन पावर थी एक पावर कम हो गई, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा, तो माइनस यहाँ लगा और साइन एक्स यहाँ आ गया, ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद तीसरे का करेंगे e की पावर x cos क्यूब x ऐसे ही, यहाँ पे भी दो पावर है, दो पावर आ गया e, साइन x की एक पावर कम हो गई, तो दो माइनस एक एक ही आएगा, और अब साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x होगा पहले पावर का फिर ट्रिग्नोमेट्री का। तो देखो e की पावर x तीनों से कॉमन आ गया, और कुछ कॉमन आ सकता है, e की पावर x साइन x cos x सबसे ही कॉमन आ जाएगा,
ई की पावर एक्स साइन एक्स और कॉस एक्स सबसे ही कॉमन आ गया, और क्या बचा? देखो यहाँ से ई की पावर एक्स कॉमन आ गया, एक साइन एक्स एक कॉस एक्स, तो एक साइन एक्स बचेगा, और क्योंकि यहाँ क्यूब एक्स है एक ले लिया बाहर तो दो बचेगा, तो साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। माइनस ई की पावर एक्स कॉमन लिया, साइन एक्स कॉमन लिया तो एक साइन एक्स आएगा, ठीक है। एक साइन एक्स क्यों आएगा, एक ये भी है ना, साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स हो गया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स साइन क्यूब एक्स हो गया, एक साइन एक्स बाहर लिया तो साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, और क्या है कॉस स्क्वायर एक्स है तो एक बाहर आया तो एक ही कॉस एक्स बचेगा, साथ में तीन है तो माइनस का तीन लगा दिया। तीसरा देखें ए की पावर एक्स है, ठीक है, कॉस की पावर फोर एक्स है, एक ही बाहर लिया दो भी है तो कॉस क्यूब एक्स बचेगा, एक ही तो बाहर लिया ना, चार है ना यहाँ, तीन और एक चार, एक बाहर लिया और साइन एक्स पूरा बाहर चले गया तो यही बचेगा, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। यह है बाई प्रोडक्ट रूल, और इसमें गलत होने के मार्जिन ऑफ एरर बहुत ज़्यादा है, तो आप कैसे करें, आप कैसे करें बड़ी बच्चा बताओ साथियों, अब कैसे करें? तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम लॉग ले सकते हैं, है ना, लॉग लेके ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सर ये क्या पावर है, क्या ये आगे आएगी? देखो आगे भी आ जाएगी, बात तो वही पड़ेगी, है ना, आगे मत लाना उसे। मेथड टू है लॉग मेथड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग वाई हो गया, यहाँ पे बनेगा लॉग, फिर बना ई की पावर एक्स, फिर बना कॉस एक्स का होल क्यूब, ठीक है, और फिर बना आपका साइन एक्स का होल स्क्वायर। पावर तो बीच में होती है, होल में ही जाती है, अलग अलग करेंगे तो लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ई की पावर एक्स हुआ प्लस लॉग कॉस एक्स का होल क्यूब हुआ। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, लॉग ए बी सी अलग अलग हो जाते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी प्लस लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया। जितनी भी पावर है आगे लाओ, इसको आप ऐसे रहने दो, है ना, लॉग ई की पावर एक्स को ऐसे रहने दो, इसे आगे मत लाओ, अच्छा नहीं लगेगा वो दिखने में ना, बात यहाँ पे दिखने की है। तीन आगे आया, लॉग कॉस एक्स बन गया, नहीं बात बहुत बड़ी है मैं बताऊंगा नहीं। दो आगे आएगा, लॉग साइन एक्स हो जाएगा, कुछ चीज़ें राज ही रहनी चाहिए, यह ठीक है। डिफ्रेंशिएट करो यार, लॉग वाई का वन अपन वाई डी वाई बाई डी एक्स, धर्म और दुश्मनी। देखो लॉग ने ई की पावर एक्स को नीचे भेजना है, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स आ गया, ई की पावर एक्स को नीचे भेजा और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स आ गया, तो कट के वन ही आएगा। अगर आप ये पावर आगे भी भेज देते ना बच्चों इसको, तो ये कुछ ऐसा बनता, क्या एक्स लॉग ई ऐसे बनता, और लॉग ई कितना होता है, वन होता है, तो एक्स इंटू वन आता और एक्स का डिफरेंशिएशन वन ही आता, यहाँ से भी वन ही आएगा। देखो ई की पावर एक्स पहले लॉग की वजह से नीचे आएगा, तो एक नीचे ई की पावर एक्स है और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, तो कट पिटा के दोबारा कितना आया, वन ही आया, है ना। तो चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे वैसे ही कर लो, है ना, जैसे भी आपको करना है, आएगा तो वन ही। अब आ गया समझ में? तो लॉग ने पहले ई की पावर एक्स को नीचे भेजा और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो गया। फिर तीन ऐसी है, लॉग ने कॉस एक्स को नीचे भेजा और फिर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स, इतना तो पता है ना तुम्हें, प्रो हो गए होंगे। लॉग ने कॉस एक्स को नीचे भेजा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया, मल्टीप्लाई है। टू ऐसे रहने दिया, लॉग ने साइन एक्स को नीचे भेजा और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स, ये चीज़ है। उसके बाद वाई को उधर भेजेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालने जा रहे हैं, वाई को उधर भेजा, ब्रैकेट में देखो क्या हुआ, ई एक्स ई एक्स कट के कितना आया, वन आया, ई एक्स ई एक्स कट के कितना आया, वन आया। माइनस थ्री साइन अपन कॉस होगा टेन, प्लस टू कॉस अपन साइन होगा कॉट, ये हो गया। और वाई की वैल्यू डाल दो, वाई की वैल्यू ये पूरी है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करना है, ये वाई हटाना और वाई की वैल्यू डाल देना, जो कि है ई की पावर एक्स कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये आप है, ऐसे हमने लिख लिया, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे y इज इक्वल टू टेन एक्स टेन टू एक्स टेन थ्री एक्स टेन फोर एक्स, यहाँ पे है
अब इसे आप प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं ना, एक का करो बाकी तीन ऐसे रहने दो, इसका कर लो इन तीनों को ऐसे रहने दो, इसका कर लो इसको 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 ऐसे रहने दो, इसका करो इन तीनों को ऐसे रहने दो, उसका करो इन तीनों को ऐसे रहने दो। पर हम लॉग लगाएंगे है ना, तो लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग। अच्छा आप इतने भी प्रो मत हो जाना कि सीधा प्लस वाली फॉर्म लिख दो कि लॉग 10x प्लस लॉग 2x प्लस लॉग 3x प्लस लॉग 4x आएगी, या लॉग 10 2x प्लस लॉग 10 2x प्लस लॉग 10 3x प्लस लॉग 10 4x, ऐसे नहीं, पहले ये लिखेंगे है ना, लॉग 10x मल्टीप्लाई बाई 10 2x मल्टीप्लाई बाई 10 3x मल्टीप्लाई बाई 10 4x, ये हो गया। इसके बाद ये चीज़ हो गई, अब इन्हें अलग अलग लिखेंगे, तो log y इज इक्वल टू log ऑफ 10x प्लस log ऑफ 10 2x प्लस log ऑफ 10 3x फिर प्लस log ऑफ 10 4x हो जाएगा। समझ में आया ना, log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d कर रहे हैं, तो log ऑफ 10 4x हो जाएगा। अब वही डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे याद रखना है डिफरेंशिएट होगा कैसे, एक बार बता देता हूँ, बाकी तीनों पे भी वैसे ही होगा। लॉग ने पहले 10x को नीचे भेजना है, ठीक है, 10x नीचे गया, फिर 10x का डिफरेंशिएशन करेंगे, sec स्क्वायर होता है, फिर एंगल का भी करेंगे जो अगर वो वर्थ हुआ, ठीक है। तो धर्म निभाव डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आप भूलना मत, आपको लिखना है इसके बाद कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे यहाँ पे आपको लिखना था टेकिंग लॉग बोथ साइड, और अगर अच्छा हुआ तो आप आइडेंटिटी भी दिखा देना कि लॉग यहाँ पे क्या होता है, लॉग ए बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी होता है, वो दिखा देना। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, लॉग वाई का 1/y डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, कैसे होता है धर्म और दुश्मनी, आगे बढ़ेंगे। लॉग का डिफरेंशिएट करना है, तो लॉग 10x का कर रहे हैं, तो पहले 10x कहाँ आया, नीचे आया, हो गया लॉग का। अब 10x का करेंगे, 10x का क्या होगा, sec स्क्वायर x, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। अब एंगल का करेंगे, पहले लॉग का फिर ट्रिग्नो का फिर एंगल का, लॉग का करा 10x नीचे, ट्रिग्नो का करा sec स्क्वायर x आ गया, एंगल x का करेंगे तो आएगा 1। आगे बढ़ेंगे, लॉग का करेंगे तो 10 2x नीचे, एंगल रिमेन सेम, 10 का करेंगे तो 10 का होगा sec स्क्वायर और एंगल वही रहेगा 2x, और बच्चों फिर 2x का कितना आएगा, 2 आएगा, पर आपको 2 आगे लिखना चाहिए, हालांकि वो नेक्स्ट स्टेप में हम कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे, लॉग ने 10 3x को नीचे भेजा, 10 3x का हो गया sec स्क्वायर 3x, और बच्चे 3x का 3 आ गया, तो कर ही रहे हैं शुभारम्भ, यहाँ भी कर लेते हैं 2 यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, लॉग ने 10 4x को नीचे भेजा, 10 4x का हो गया sec स्क्वायर 4x, और 4x का हो गया 4, ठीक है। कुछ कर सकते हो, sec स्क्वायर अपॉन 10 बनेगा कुछ, sec स्क्वायर अपॉन 10 है, ठीक है, पार्डन मी मैं एंगल नहीं लिख रहा हूँ अभी। sec स्क्वायर हो गया 1 अपॉन cos स्क्वायर, और 10 हो गया sin अपॉन cos, cos से cos कैंसिल, sin cos आएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बस ऐसे ही रहने दो, y को उधर भेज दो, तो dy बाई dx आपका कितना आ गया, y उधर गया, आप पे आया sec स्क्वायर x अपॉन 10x, फिर आया आप पे 2 sec स्क्वायर 2x अपॉन 10 2x, फिर आप पे आया 3 sec स्क्वायर 3x अपॉन 10 3x, 3 sec स्क्वायर 3x अपॉन 10 3x, फिर आगे बढ़ेंगे 4 sec स्क्वायर 4x अपॉन 10 4x, और अब y की वैल्यू डाल दो, तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया, y की वैल्यू डाली तो आप पे आएगा 10x 10 2x 10 3x 10 4x। अब बच्चों लेजी मत बनना, ये पूरा लिखना आप लोग है ना, ये जो चीज़ है sec स्क्वायर x अपॉन 10x, फिर ये 2 sec स्क्वायर 2x अपॉन 10 2x, बाकी जो दो टर्म है वो भी आप पूरी लिखना, एक्सक्यूज मी, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये पूरी लिखना वो टर्म, फिर वो आपके आंसर हो जाएंगे, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2x+3 की पावर 3x-5। यहाँ पे क्वेश्चन है 2x+3 की पावर 3x-5। यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, लॉग ही लेना सही रहेगा। यहाँ लॉग लेंगे, लॉग y इज इक्वल टू लॉग 2x+3 की पावर 3x-5। पावर क्या है 3x-5, ये लॉग से पहले आ जाएगी, ये आपका क्वेश्चन था, तो लॉग वाई, ये 3x-5 आगे आया, फिर आप पे बना लॉग, फिर बना 2x+3, ये ठीक है, 3x-5 आ गया, ये लॉग बना 2x+3 बना। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा पहला और दूसरा, डिफरेंशिएट करेंगे, आपको पता है धर्म और दुश्मनी, तो 1/y dy/dx, फिर सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ लॉग 2x+3 एज इट इज़, और डिफरेंशिएशन करना है हमें फर्स्ट का, फर्स्ट है 3x-5, फिर बच्चे 3x-5 ऐसी, और हमें डिफरेंशिएट करना है किसका, लॉग 2x+3, और नीचे क्या आएगा सेकेंड वाले फंक्शन का स्क्वायर, क्वेश्चन रूल चल रहा है, ये प्रोडक्ट चल रहा है, ठीक है, यानी आएगा। तो एक काम करते हैं, dy/dx लिखते हैं, y को ऐसे रखते हैं, ब्रैकेट बनाते हैं और इन्हें सॉल्व करते हैं, तो log 2x+3 ऐसे, और यहाँ पे 3x में 3 बाहर आया, x का 1 हो गया, 5 का 0 हो गया, तो यहाँ 3 आ गया, ठीक है, 3x में 3 बाहर आया, x का 1 हो गया, 5 का 0, प्लस 3x-5, लॉग ने क्या करना है 2x+3 को नीचे भेजना है, भेज दिया, 3x-5 तो ऐसी है d/dx log, log ने 2x+3 को क्या भेजना है, नीचे भेजना है, 2x में 2 आएगा, 3 का 0 आ जाएगा, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। 3x-5 ऐसी d/dx ऑफ log 2x+3 को नीचे भेजा, 2 बाहर आया, x का 1, 3 का 0 आ गया, तो कुल मिला के बात यह है, y की वैल्यू डाल दीजिए बच्चे और इसे सोफेस्टिकेटेडली लिख देना, तो dy/dx इज इक्वल टू y, y कितना है 2x+3 की पावर कितना 3x-5, ये तो y की वैल्यू आई। यहाँ क्या चल रहा है, 3 आगे लाओ, 3 log 2x+3, 3 log 2x+3, 2 आगे आया प्लस, या इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 3x हो गया 6x, 5 × 2 = 10 हो गया, बीच में माइनस आया, तो 6x-10/2x+3, ब्रैकेट बंद, बस इतना है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, क्लियर, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपने y इज इक्वल टू 5x/x5, यहाँ पे है, क्या चाहोगे यहाँ, x-5 बना लो इसे ना, सही रहेगा ना, या ऐसे करना चाहते हो, बना लो 5x/x5 बना लो इसे, 5 है ना पावर, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, क्वेश्चन ये था, ये आंसर चल रहा है, ठीक है, और अब लॉग ले लो दोनों साइड, तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 5x/x5, ये है आप पे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, लॉग a b लगाएंगे, लॉग a प्लस लॉग b, तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग a b, तो लॉग x^5 + log 5x/x5, ये हो गया, लॉग अपनी पावर्स आगे भेजेगा, आगे भेज दो, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, यहाँ यहाँ पे कर लो इसे सॉल्व, क्या जा रहा है ना,
तो इसको यहीं कर लेंगे, इस पावर को आगे भेज दो। देखो ये वेरिएबल है ना, तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा आप वेरिएबल पावर को आगे भेजो, है ना। इसको ऐसे रहने दिया करो, वेरिएबल होते ना एक्स, उसको आगे मत भेजे करो। ई में भी हमने एक गुणा ही कर दिया जो करा था, वैसे आंसर सही आ गया, उससे क्या मतलब है, भेजे मत करो। वेरिएबल पावर को कभी भी आगे मत भेजना, कांस्टेंट पावर को भेज दो। ये माइनस पाँच आगे आया, अब बचा सिर्फ लॉग एक्स। वेरिएबल पावर को कभी भी आगे मत भेजना, डिफ्रेंशिएट करो लॉग वाई का वन अपन वाई, वाई का आ गया डी वाई बाई डी एक्स। लॉग पाँच की पावर एक्स ने क्या करा, पाँच की पावर एक्स को नीचे भेजा, पाँच की पावर एक्स को नीचे भेजा, और पाँच की पावर एक्स का क्या होगा, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, पाँच की पावर एक्स लॉग पाँच, ऐसे आएगा, यही तो आएगा ना डिफरेंशिएशन, पाँच की पावर एक्स लॉग पाँच। क्लियर है, शाबाश। पाँच की पावर एक्स से पाँच की पावर एक्स कैंसिल होगा, आगे बढ़ते हैं। माइनस पाँच लॉग एक्स का हो गया वन बाई एक्स, और एक्स का वन। सर ये क्या करा, तो देखो बच्चे लॉग फाइव की पावर एक्स से लॉग के बाद जो भी वो नीचे आएगा, फाइव की पावर एक्स का आपको पता है फाइव की पावर एक्स लॉग पाँच आता है, इसलिए कट गया। सर अगर हम पावर आगे ले आते तो क्या होता, होता तो यही, पर मैं चाहूँगा नहीं कि आप वो करो, पहले भी मैंने रिलक्टेंट हुआ था, नहीं बोला था। एक्स आगे भेजो तो एक्स लॉग पाँच हो गया, डिफ्रेंशिएट करोगे लॉग फाइव बाहर आएगा, एक्स का वन आ जाएगा, वो तो अब भी आ रहा है, पर करा मत करो, है ना। वाई को उधर भेज दो, तो वाई को उधर भेजो तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स वाई, यहाँ पे आएगा लॉग फाइव माइनस फाइव बाई एक्स। वाई का क्या है, फाइव की पावर एक्स अपॉन एक्स की पावर फाइव, फाइव की पावर एक्स अपॉन एक्स की पावर फाइव, यह है आपका वाई। और यहाँ पे चल रहा है लॉग फाइव माइनस फाइव बाई एक्स, ये आपका आंसर है, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया, ऐसे करना ही नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू x की पावर x, इसको करना है आपको, छोटा सा क्वेश्चन है आपका ये, x की पावर x करेंगे कैसे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे, लॉग y। अब तुम बोल सकते हो सर आप वेरिएबल पावर को आगे कर रहे हो, है ना, दोनों ही वेरिएबल हैं यार, वहाँ पे क्या था पाँच की पावर x था, तो लॉग लगाएंगे, यहाँ बनेगा x की पावर x। पहले क्यों नहीं करा, पहले क्योंकि बेस आपका क्या था, कांस्टेंट था, और वेरिएबल आपकी पावर था, यहाँ पे दोनों ही बेस और एक्सपोनेंट दोनों ही वेरिएबल हैं। ये जो x है, ये वाला x, ये आगे आएगा लॉग से, तो ये बनेगा x log x, क्लियर है ना। लॉग एक्स तो ऐसी है, ये एक्स पावर लॉग से आगे आ गई। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा देना है, ये पहला ये दूसरा, तो लॉग वाई डिफ्रेंशिएट कर लें अब, ठीक है, तो लॉग वाई का वन अपन वाई, और वाई का कितना डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे करेंगे तो लॉग एक्स एज इट इज़। और हमें डिफ्रेंशिएट करना है किसका, पहले फंक्शन मतलब एक्स का, फिर एक्स ऐसी हमें डिफ्रेंशिएट करना है किसका, लॉग एक्स का, क्लियर, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। y को भी उधर भेज दिया करो, तो dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, और अंदर करो सॉल्व, x का x के रिस्पेक्ट में वन आया, तो यहाँ से बचा log x इंटू वन, मतलब कितना log x, x इंटू dy वाई डी एक्स ऑफ log x, log x का होगा वन बाई एक्स, और x का वन होगा, x तो ऐसे ही है, log x का वन बाई एक्स हो गया, जो कि ये है x है x, कैंसिल हो गया, y की वैल्यू डाल दो, बस आंसर आ गया dy वाई बाई डी एक्स। y की वैल्यू कितनी है, x की पावर x है, और यहाँ से कितना आया, log x प्लस वन आया, log x प्लस वन, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपको समझ में आता है ना, क्या चीज़ है, साथ चलोगे तो यही होगा, पॉज या स्किप करके देखोगे तो दिक्कत आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आप पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है, y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर x, यह साइन एक्स की पावर एक्स, तो बस सिंपल सी बात है, लॉग लेंगे दोनों साइड, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स की पावर कितना एक्स, बच्चों ये एक्स आगे आएगा, ठीक है, जो भी पावर होता है, तो आप पे बना लॉग वाई, और यहाँ पे आया एक्स लॉग साइन एक्स, एक्स लॉग साइन एक्स,
यहाँ पे आ गया, क्लियर है, एक्स लॉग साइन एक्स आ गया। अब ये पहला जो पहला है, पहला जो दूसरा है दूसरा हो जाएगा, वो डिफ्रेंशिएट करेंगे लॉग वाई का 1/y और दुश्मनी तो डी वाई बाई डी एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स एज इट इज़ इंटू डिफ्रेंशिएट करना है हमें एक्स का, प्लस एक्स एज इट इज़ और हमें डिफ्रेंशिएट करना है किसका, लॉग ऑफ साइन एक्स का, ये चीज़ है, ठीक है। इसके बाद वाई को भी उधर भेज दो, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टाइम्स, यहाँ देखेंगे एक्स का, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में वन होगा, तो यहाँ से तो सिर्फ लॉग साइन एक्स आ गया, और ये एक्स ऐसी। अब इनका करने जा रहे हैं तो डी वाई डी एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स का करना है, तो लॉग हटेगा तो साइन एक्स कहाँ आएगा, नीचे आएगा, लॉग का करेंगे तो साइन एक्स नीचे आ जाएगा, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर ही होगा जो कि होता है कॉस एक्स, और जो एक्स बचा है उसका वन होता है, ठीक है। तो वाई की वैल्यू भी डालेंगे और अंदर भी सॉल्व करेंगे, वाई की वैल्यू है साइन एक्स की पावर कितना, एक्स, फिर आप पे है लॉग, फिर आप पे है साइन एक्स, फिर आप पे है एक्स, कॉस अपन साइन आपका कॉट बन गया, तो ये बन गया एक्स कॉट एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, लॉग साइन एक्स प्लस एक्स कॉट एक्स, शाबाश, देख लो, आगे बढ़ते हैं।